और ये बोर्ड का प्राइस पड़ा है मेरे को 1200 का। कितने पड़ा है भैया? 1200 रुपए का। ठीक है, तो काफी अच्छी आवाज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ब्लोरो से। एक्चुअली हम जा रहे हैं जमड़ी। जमड़ी कहाँ जा रहा है? जमड़ी पहुँच गए हम। इतने मम्मी और नानी, इधर है बहादुर भाई गाड़ी चला रहा है। नानी का थोड़ा तबीयत खराब है तो हम अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इधर कहीं पर डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है ना, तो चल के देखते हैं मतलब कैसा इलाज करते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं सुनते आ रहा था कि यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, है ना, कि लब का प्रॉब्लम है ना, हाथ पैर पे है, तो इसलिए हम जा रहे हैं इलाज के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर इलाज होता है ना, हमें भी आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बट कौन सी पेड़ है माता राम? पेड़ है ना खजूर। खजूर के पेड़ के पास है कहीं पर डॉक्टर का घर, जहाँ पर वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उनका क्लिनिक वगैरह है, तो यहीं पास है कहीं पे जमड़ी के पास। तो जमड़ी तो फाइनली पहुंच गया है, इधर देख सकते हो, ये है जमड़ी सादा। इधर खजूर का पेड़ देखना, थोड़ी आगे चलो ना भैया, ये एक डॉक्टर का घर है, कहाँ पास है वो जो लकवा वगैरह मारते हैं ना, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, खजूर के पेड़ के पास कहीं पे। अच्छा, आगे से लेफ्ट। अच्छा अच्छा, आगे साइड में, ठीक। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है भैया, रोड किनारे मतलब। अभी एक भाई साहब से पूछे हैं तो यहीं पर कहीं पे बता रहे हैं, तो चल के देखते हैं ना कहाँ पास है। फाइनली पहुंच गए हैं, जस्ट रोड के साइड में कहाँ भटक रहे थे देख रहे, उधर गांव में घुस गए थे अंदर, वहाँ से पूछ रहे थे आराम से। आराम से, धीरे 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 आओ। दोस्त अभी दवाई लेने के लिए अनूपपुर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं, यहाँ पर सारे दवाई नहीं है, तो डॉक्टर की स्कूटी रख लेते हैं और चलते हैं अनूपपुर। फाइनली अभी निकल चुके हैं अनूपपुर के लिए, स्कूटी चलाते हैं, थोड़ा हट जा रहे हैं, जाना पड़ेगा, बिल्ली रास्ता काटा, बहुत ही खतरनाक तरीके। फाइनली पहुँच गया मैं बालाजी मेडिकल। तो ये है सारी दवा, ये लेके चलेंगे अभी डॉक्टर के पास, है ना भैया? क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खुश रहना चाहिए हमेशा। फाइनली दवाई ले लिए हैं, अब सीधे निकलते हैं, बहुत टाइम हो रहा है क्योंकि बहादुर को जाना भी है, गाड़ी बुकिंग में है, बारात में है ना भाई, हाँ तो जल्दी जाना भी है। दवाई फाइनली मिल गया है, यहाँ से लिए है बालाजी मेडिकल से। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं शंकर मंदिर के जस्ट सामने, यहाँ पर है गन्ना जूस का मशीन, भाई के पास आ गए गन्ना जूस पीने के लिए। ठीक है, तो गन्ना जूस पीते हैं और निकलते हैं। और इस जगह को मैं क्या बोलता था, मतलब अगर किसी से मिलना है या कहीं जाना है तो बताकर जाते थे कि भाई ये शंकर मंदिर है, शंकर मंदिर चौराहा, इसको मैं बोलता था, ठीक है कि ये है शंकर मंदिर चौराहा। लेकिन आज मुझे पता चला, और अभी शहडोल जा रहे थे ना 4-5 दिन पहले, तो मुझे पता चला इस जगह का नाम है महाराणा प्रताप चौक। मतलब यार अभी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो महाराणा प्रताप चौक, पहले इस चौक को शंकर मंदिर के नाम से जाना जाता था, ठीक है शंकर मंदिर के नाम, लेकिन अभी पहली बार मुझे पता चला कि इस जगह को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। इधर है शंकर मंदिर, तो इस शंकर मंदिर की वजह से इसको शंकर मंदिर चौराहा बोलते थे, ठीक है, और अभी ये महाराणा प्रताप चौक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये महाराणा प्रताप चौक है। इधर है ICICI बैंक, इधर है जूस पीते हैं जूस वाले भैया, गर्मी में तो फायदा रहेगा भैया का, मतलब भैया का समय आ गया। एक ही बार है, ये बार बार कर रहा हूं, बार बार करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जैसे बंद हो जाती है वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक नंबर, बहुत ही स्वादिष्ट। बेटीना बेटीना वही पढ़ रहा है।
भानुपुर वाला। दोस्तों फाइनली इंजेक्शन लगवा लिया हूँ और तुरंत असर मिल गया, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा आराम है। अभी इंजेक्शन लगवा के मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा लेकिन यार। तो दोस्तों फाइनली इलाज करवा के हम आ चुके हैं किरण घाट की ओर और इधर आरटी वाल लगे हैं, ये देख सकते हो है ना, चेक हो रहा है। निकलते हैं फिर, अभी मुझे जाना पड़ेगा राजेंद्र ग्राम क्योंकि काम है वहाँ। फाइनली चेक हो गया, दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं राजेंद्र ग्राम और अभी मैं हूं आस्था मोबाइल दुकान के सामने, आप देख सकते हो। एक्चुअली मेरे फ़ोन में बिल्कुल चार्ज नहीं था, इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया था है ना। लांगाटोला से मैं बाइक से यहां आया था लिफ्ट लेकर है ना, और मेरा काम फाइनली हो गया है। एक्चुअली मैं साइन करवाने के लिए आया था तो फाइनली साइन करवा लिया हूं। अब निकलते हैं घर के लिए और अभी मैं यहां पर हूं दुकान में और अभी मैं यहां पर लिया हूं एक ब्लूटूथ बोट का, बहुत ही अच्छी आवाज़ है सच में। वैसे जितने भी लोग बोट यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा आवाज़ कैसी रहती है इसकी है ना, तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और ये बोट का प्राइस पड़ा है मेरे को 1200 का, ठीक है भैया है इधर, कितने का पड़ा है भैया? 1200 रुपये का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है, अब चलते हैं ठीक है, मस्त लगा लेते हैं। और अभी हमारे इधर के लिए बस है कि नहीं क्या मालूम, देखते हैं, अगर बस होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और चलते हैं और बस। तो दोस्तों अभी बस तो है नहीं यहाँ पर, चलते हैं अपने इधर स्टैंड में केएमके की दुकान साइड। यहाँ पर एक ये बस है, कौन सी, अंकुश बस, लेकिन ये पता नहीं यहीं रहेगी लगता है ये। तो दोस्तों राजेंद्र ग्राम में बस नहीं था तो मैं सरपंच की बाइक में आ रहा, तो बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए आया था इधर पेट्रोल टंकी में, तो अभी जा रहा हूँ मैं इधर है ना, तो चलते हैं ठीक है। सूरज भी डूबने को है,